इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। राज्य में 57% मतदान। अकोला जिले में गुरुवार सुबह से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ। इस चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन वेल्लोर और त्रिपुरा पूर्व में चुनाव रद्द कर दिए जाने से 95 सीटों पर ही मतदान हुआ। राज्य की 10 सीटों पर मतदाताओं ने अपना वोट डाला। राज्य में शाम 5 बजे तक 57.22% मतदान होने की जानकारी चुनाव अधिकारियों ने दी। हालांकि मतदान के असली आंकड़े आने में समय लग सकता है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। बालापुर विधानसभा क्षेत्र में कवड़ा में एक व्यक्ति ने ईवीएम मशीन तोड़ डाली। श्री कृष्ण ग्यारे इस व्यक्ति की मांग थी कि मतदान ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होना चाहिए। इस दौरान उसने ईवीएम को भी जमीन पर फेंक दिया। बाद में इस मतदान केंद्र पर नई ईवीएम मंगवाई और उसके पश्चात ही मतदान सुचारू रूप से शुरू हो सका।